खरगोन के बड़वास सहित आसपास से गरीब मजदूरों क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते ऐसे असहाय और गरीब व्यक्ति जो खाना बनाने में लाचार हैं और अनाज नहीं, उन सभी के भोजन की व्यवस्था के साथ ही राशन के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ। एसडीएम मिलिंद ढोके और डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान ने बताया कि नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोएगा। प्रत्येक निराश्रित असहाय और गरीब व्यक्तियों के दरवाजे पर भोजन का पैकेट सुबह और शाम पहुँचाया जा रहा। जब से कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ है, जब से 600 से 800 पैकेट रोज खाने बनाए जा रहे हैं अपने प्रशासन की तरफ से और अन्य जो संस्था है, जैसे लायंस क्लब हो गया या फिर व्यापारी संगठन हो गया, अन्य लोग, ये लोग भी अलग से पृथक से संबंधित लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं। साथ में चूँकि यहाँ सब्जियों का ज़्यादा उत्पादन है तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ सब्जियों का भी वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन हुआ है तब से शहर में सब्जी की किल्लत को दूर करने के लिए और गरीब तक सब्जी पहुँचाने के लिए प्रशासन के माध्यम से गांव से सब्जी मंगवा कर वितरण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 15 से 20 क्विंटल से अधिक सब्जियों का वितरण किया गया है। और जो भोजन बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, उन संगठनों सामाजिक संस्थाओं को भी हम सब्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमने एक महिला संगठन को सब्जी प्रोवाइड करी है। हमने 2 से 3 क्विंटल सब्जी का बाँटी है और सूखा राशन भी हमने आज दिया है, जिसमें जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिनके पास कोई अपने रोजी रोटी के अलावा कोई साधन नहीं था, उनको भी आज हमने सूखा राशन वितरण किया है। बड़वास से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट। खजराना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनता को यह समझाइश दी कि आप लोग अपने घरों से मत निकालिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। अगर आप लोगों को सर्दी खांसी बुखार किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो 181 पर कॉल करके हमें संपर्क किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घरों में कितने मेंबर रहते हैं और कौन बाहर से आया और कौन यहाँ से बाहर गया उसकी जानकारी भी ली। साथ में खजराना थाने के अधिकारी मिश्रा जी भी उपस्थित थे और 21 दिन का लॉकडाउन का जनता ने समर्थन भी किया। प्रशासन का पूरा साथ दे रही जनता। इंदौर से फिरोज शेख की खास रिपोर्ट।